हेलो मेरे दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके केमिकल बॉन्डिंग में एक टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, वो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो आज हम आप लोगों के सामने बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन का। आप लोग ये मान लीजिए कि जो हाइब्रिडाइजेशन टॉपिक है हमारे केमिकल बॉन्डिंग में एक मोस्ट IMP टॉपिक्स होता है। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप ना जितना भी हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एटॉमिक एटम्स का स्ट्रक्चर है, बॉन्ड एंगल है, शेप है, साइज है, ये सारी चीज़ें हम लोग हाइब्रिडाइजेशन में सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोगों से गलतियाँ क्या हो जाती हैं कि हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को बहुत ज़्यादा ब्रॉड करके पढ़ते हैं। नहीं, अपने को शॉर्टकट में कुछ ऐसी चीज़ें आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि बस आप लोग इसको 15 मिनट, मुश्किल से 15 मिनट आप लोग इसको रीडिंग करेंगे ना, आप इसको पढ़ेंगे ना, उसके बाद आपका हाइब्रिडाइजेशन का पूरा टॉपिक यूँ ख़त्म। ठीक है, तो आज आप लोग देख लीजिए हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं और आपको कैसे शॉर्टकट में पूरा हाइब्रिडाइजेशन चुटकी में सिखा देंगे। ठीक है, तो बस ध्यान से 5 मिनट आप और देख लीजिए, सिर्फ 5 मिनट देखिए, आप देखिए कैसा आपको पूरा हाइब्रिडाइजेशन खत्म आया। आज खत्म करते हैं हम। ठीक है, क्योंकि अभी मैंने बहुत सारे आप लोगों के मतलब यूट्यूब में वीडियो में काम किया था, तो बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमको केमिस्ट्री में हाइब्रिडाइजेशन में प्रॉब्लम होता है, सर स्ट्रक्चर नहीं आता है, सर हम स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, सर बार बार हमारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं गलत हो जाते हैं, तो हमको समझ में नहीं आ रहा ऐसा इसमें है क्या चीज़। तो आज हम आप लोगों को 5 मिनट के लिए एक ऐसी ट्रिक बताएंगे, एक ऐसा शॉर्टकट बताएंगे कि आप ना बस इसको अप्लाई करिए, आपका यू आंसर, आपका बॉन्ड एंगल आ जाएगा, आपका स्ट्रक्चर आंसर आ जाएगा, जितनी भी चीज़ें आप लोगों को मिस हो रही हैं वो सारी चीज़ें आज आपको यहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, तो चलिए आज आप लोगों के साथ अपन यहाँ पर देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, आ जाइए। तो हाइब्रिडाइजेशन में आज हम लोग देखेंगे आपका हाइब्रिडाइजेशन के अंदर आप लोग देखिए आज तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन दिया कौन था, तो हाइब्रिडाइजेशन दिया था पाउलिंग ने। पाउलिंग करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन के बताया था, हाँ हाइब्रिडाइजेशन बताया था पाउलिंग ने। पाउलिंग ने ये बताया आपका स्ट्रक्चर शेप स्टेबिलिटी किसी भी एटम का आपको स्ट्रक्चर बताना है, शेप बताना है या स्टेबिलिटी बताना है, तो आप उसके अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन। तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन देखने के लिए आपने आपको एक चीज़ बताते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने ले लिया NH3 के ऑक्सीजन में आपके ठीक है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 इलेक्ट्रॉन मतलब कि और 3 हाइड्रोजन मतलब इसका स्ट्रक्चर आपका ये बनेगा नाइट्रोजन, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आपका बनेगा NH3 का। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो गया हाइड्रोजन, यहाँ पे लॉन्ग पेयर है मतलब आपका ये स्ट्रक्चर हो गया आपका पेयर। अब आपको ये लग रहा होगा कि अरे यार सब बोल रहे थे हम ट्रिक सिखाएंगे, लेकिन उन्होंने एक एग्जांपल में लटका दिया, आपके कुछ समझ में नहीं आया, वेट आएगा। ठीक है, देखिए कैसे आएगा। तो आप ये देखिए, जैसे मैंने इसका एग्जांपल ले लिया, आप यदि हमसे पूछोगे सर इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो मैं आपको बताऊंगा हाइब्रिडाइजेशन इसका SP3 होता है, बोलोगे सर गलत बता रहे हैं, हमने तो पढ़ा था SP3 यदि हाइब्रिडाइजेशन होगा तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, लेकिन सर तो बोल रहे हैं डायहेड्रल होगा, नहीं गलत नहीं है, सही है। ठीक है, यही चीज़ आज हम लोग आपको सिखाने वाले हैं कि यदि जो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होता है बट उसका आंसर डिफरेंट आता है, हमारा जो रहता है जैसे SP3 है, SP3 हाइब्रिडाइजेशन तो हमारा टेट्राहेड्रल ही होना चाहिए, बच्चे पकड़ के बैठ जाते हैं टेट्राहेड्रल ही होगा, पेपर में गलत होगा, नहीं पेपर में गलत नहीं रहता, थोड़ा सा बहुत लोगों से क्या केमिस्ट्री में इतने सारे कॉन्सेप्ट हैं कि मिस हो जाते हैं। एक अभी हमने पढ़ेंगे वेस्पर थ्योरी पढ़ेंगे, वहाँ पर ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करेंगे। सबसे पहले शॉर्टकट में आपको रिविजन करवाते हैं। तो आपको हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बेटा 3 या 4 चीज़ें आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए पहला आपका सिग्मा बॉन्ड, देन उसके बाद लॉन्ग पेयर, उसके बाद नेगेटिव आयन। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड, लॉन्ग पेयर और नेगेटिव आयन, इनको हम इंक्लूड करेंगे आपके हाइब्रिडाइजेशन में। ठीक है, यदि इनका नंबर ऑफ दिस यदि इनका नंबर बेटा 2 है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा SP3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा SP2, 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा SP3, 5 है तो SP3D,
और छह है तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp3d2 बोलो कैसे। तो ना आपको ये याद रखना है कि यदि हमारा एक s और तीन p है, लेकिन एक s और तीन p में सिर्फ दो का रोल है, स्ट्रक्चर बनाने के लिए दो का रोल है, ठीक है, एक s का रोल है एक p का रोल है, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। इधर आ जाइए, आपका एक s है तीन p है, यदि आपके मतलब सेम बनाने या स्ट्रक्चर बनाने में बेटा तीन का रोल है, ठीक है, तीन का रोल है मतलब कि एक s का रोल है एक इसका रोल है एक इसका रोल है, तो हमारा हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। यदि आपका हाइब्रिडाइजेशन बनाने में आपके चार का रोल है तो एक s हो जाएगा और ये p हो जाएगी, तो हमारे ये चारों में भी आ जाएगा sp3। डिपेंड करता है कि आपके हाइब्रिडाइजेशन बनाने के लिए आपके कितने सबसेल का रोल होता है, ठीक है, तो सबसेल यदि दो है तो एक s लेंगे एक उसके बाद डी एक दो तीन एक दो तीन चार पांच आप यहाँ तक ले लोगे एस पी थ्री और डी हो गया। तो आपका ये शायद मेरे अकॉर्डिंग आपका डाउट क्लियर हो गया होगा कि यदि है ना टोटल दो हैं तो हमको एस और डी लेना है, तीन है तो एस पी टू लेना है, चार है तो एस पी थ्री लेना है, जो ये चीज़ें हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं क्लियर में ये चीज़ें ये होती है। वो क्या क्या बोल ओ इनका ठीक है बेटा, एस मतलब एक ब्लॉक होता है सबसेल होता है जिसको हम बोलेंगे, एस को बोलेंगे सार, पी को बोलेंगे प्रिंसिपल, है ना, आपके डी को बोलेंगे डिफ्यूजन और एफ को बोलेंगे फंडामेंटल। तो एस पी डी एफ यानी कि हो गया होता है सार, प्रिंसिपल, डिफ्यूजन और फंडामेंटल, ठीक है बेटा ओके। आ जाइए उसके बाद अब हमको ये पता चल गया है कि हमको हाइब्रिडाइजेशन में क्या क्या इंक्लूडेड करना है, तो सिग्मा बॉन्ड लॉन्ग पेयर और नेगेटिव आयन। चलिए एक और एग्जांपल लेके हम देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल ले लिया आपका CH4 यानी कि CH4 कार्बन एक दो तीन चार एक दो तीन चार चार सिग्मा बॉन्ड यानी sp3 वही कैसे देखिए चार सिग्मा बॉन्ड यानी कि आपका हो गया एक s का तीन p के होते हैं तो हमको जुड़ना एक और तीन एक चार लेना यानी कि हमारा हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो आपके इसके खाने डिब्बे के बराबर आपको हाइब्रिडाइजेशन लेना है, ठीक। चलिए उसके बाद हम लोग सीधे आते हैं आपके टेबल में, तो आपको ये याद रखना बेटा कि यदि आप टोटल क्या टोटल लॉन पेयर सिग्मा बॉन्ड या नेगेटिव आयन यदि इन दोनों की टोटल नंबर दो है तो आपको लेना है sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। यदि आप sp हाइब्रिडाइजेशन लोगे तो आपका बॉन्डिंग बनाएगा 180 स्ट्रक्चर होगा सेम होगा लीनियर स्ट्रक्चर आपका देखिए ऐसा बनेगा 180 डिग्री, ठीक है। जैसे एग्जांपल आप एक देख लीजिए BeCl2 एग्जांपल BeCl2 एग्जांपल यानी कि लीनियर Cl और Cl है ना 180 डिग्री मिलेगा, ठीक है BeCl2 हो गया। उसके बाद आप अगर यदि आपका इसी लॉन पेयर नेगेटिव सिग्मा बॉन्ड और नेगेटिव आयन का नंबर 3 है, यदि इनका नंबर 3 है तो आपका आएगा क्या sp2 आएगा 120 डिग्री बॉन्ड में, वो होगा आपका बॉन्ड एंगल ट्राइगोनल या ट्राइगोनल हो गया, ऐसे sp3 109 टेट्राहेड्रल आदि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो गया CH4 और CCl4 वेरी गुड। आपका sp3d होगा ट्राइगोनल हाइब्रिड हो जाएगा, आपका ये एग्जाम्पल ये तो हो गया बुक में जो कि सब लोगों के पास है। अब ना हम आपको यहाँ पे एक ट्रिक बताएंगे जो कि आपको ये सारी चीजें बस इन चुटकी में याद बना देगा, ठीक है। तो इसके लिए आप आ जाइए आप लोग दिस ट्रिक फॉर द स्पेशल फॉर एम करियर इंस्टीट्यूट, ये ट्रिक आपको पूरे इंडिया में सिर्फ एम करियर इंस्टीट्यूट में मिलेगा बाय भूपेंद्र सर के द्वारा, ठीक है। इसलिए आ जाइए आप याद रखिए बाय भूपेंद्र सर के द्वारा, अरे मजाक था कहीं मिल सकता है क्या बोले अरे सर आप मजाक करते ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट क्यों कर रहे थे सर हमको हाइब्रिडाइजेशन कैसे सीखना है क्या करना है, ठीक है। तो आ जाइए ना अरे मजाक का बातों का बड़ा मत मानना, ठीक है। अरे जी अब हम बात करेंगे ट्रिक
फॉर हाइब्रिडाइजेशन। मजा नहीं आया पैसा वापस देख लीजिए फॉर हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन की ट्रिक में कुछ नहीं है, सबसे पहले आपको ना देखना है कि आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल एक या एट या लेस देन एट, सो डिवाइड इज टू। यदि आपके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन जो है एट इलेक्ट्रॉन है या एट से कम इलेक्ट्रॉन है तो आपको डिवाइड करना है टू से। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन आउटर सेल इज ग्रेटर देन एट, सो डिवाइड इज टू एट। यदि आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आठ से ज्यादा है तो आपको आठ का डिवाइड करना है। यदि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन आठ या आठ से कम है तो आपको दो का डिवाइड करना है। क्या बोले सर, ये देखो चमत्कार कैसे, देखिए चमत्कार कैसे होगा। NH3 गिव लेते हैं दादा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर होता है बेटा इसका 7, तो 1s2 2s2 2p3। आउटर सेल में बेटा ये होता है सेल, हमारा आउटर सेल में हो गए आपके 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यानी कि नाइट्रोजन के आउटर सेल में हो गए आपके 5 इलेक्ट्रॉन। उसके बाद आप देखिए हाइड्रोजन H1s1 आउटर सेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन, तो हाइड्रोजन के आउटर सेल में 1 इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन। तो यदि हम बात करेंगे नाइट्रोजन के आउटर सेल में तो नाइट्रोजन के आउटर सेल में 5 इलेक्ट्रॉन और नाइट्रोजन एंड 1 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन, बट हाइड्रोजन 3 थे तो टोटल इलेक्ट्रॉन इसके हो गए 3। हाँ, तो इसके हो गए आपके टोटल इलेक्ट्रॉन 5 और इसके हो गए टोटल इलेक्ट्रॉन 3, प्लस कर दो 8 आया। ओ 8 यानी पहला इक्वल टू 8 एंड लेस देन 8, यदि ये 8 है बेटा तो ये हो गया हमारा 8 डिवाइड बाय 2, दो चौको 8। मैंने पहले बताया था यदि टोटल नंबर ऑफ 4 आ गया तो आपको क्या करना है, एक s 3p sp3, तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3। क्या हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3, ऐसे निकालना है आपको हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, यदि आप बात करो सर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, वेरी गुड, देख लीजिए आप इसका स्ट्रक्चर। यदि आपको इसका स्ट्रक्चर देखना तो सबसे पहले यदि आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आएगा नो टेंशन, आप sp3 हाइब्रिडाइजेशन का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना दीजिए। ठीक है, सबसे पहले मैंने ये ले लूंगी, ये मैंने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना दिया। नाइट्रोजन है सेंटर एटम, नाइट्रोजन लिख दिया, 3 हाइड्रोजन है, एक लोन पेयर लिख दिया, एक हाइड्रोजन ले कर दिया, एक हाइड्रोजन ले कर दिया लोन पेयर। ठीक है, लोन पेयर मतलब कि क्या होगा, रिपल्सन। यदि sp3 है तो हमारा बॉन्ड एंगल कितना होता है sp3 के लिए, हमारा बॉन्ड एंगल होता है 109.28, बट देखिए यहाँ पे क्या गया, हमारा लोन पेयर आ गया, लोन पेयर की वजह से ये हमारा कम हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा जो बॉन्ड एंगल हो जाएगा 107 के समथिंग हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे देखिए बॉन्ड एंगल भी कम हो गया। NH3 में स्ट्रक्चर हमारा टेट्राहेड्रल होता है, यदि उसका किसका हमारा टेट्राहेड्रल होता है, बट लोन पेयर प्रेजेंट है, लोन पेयर की वजह से है ना टेट्राहेड्रल यहाँ पर कुछ है ही नहीं, ये हट जाएगा तो हमारा हो जाएगा पिरामिड से। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका स्ट्रक्चर भी कम हो गया है ना, स्ट्रक्चर हमारा चेंज हो गया हाइब्रिडाइजेशन के अकॉर्डिंग। तो आप पहले से जो हमारी ट्रिक है आप इसको याद रखिए कि जो इसको याद रखना है कि यदि आउटर सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 8 है या 8 से कम है तो हमको डिवाइड करना है 2 का, यदि आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन 8 या 8 से ज्यादा है तो हमको डिवाइड करना है कितने का, 8 का। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लेकर देख लेते हैं आपको।
देखिए एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं एस एफ सिक्स, ठीक है बेटा, सल्फर 16, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, 10, 2, 12, आउटर सेल में कितने 6 इलेक्ट्रॉन, सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन और फ्लोरीन के आउटर सेल में 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, है ना, तो दो s2, s2, 2p6, है ना, तो दो दो चार छः चार दस, तो 2p5, तो 5 2 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखिए सल्फर के आउटर सेल में है आपके 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन के आउटर सेल में है आपके 7 इलेक्ट्रॉन, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ऐसा करिए, सल्फर सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन फ्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन इंटू 6 है, ठीक है, तो 6 हो गया और 7 6 6 6 7 9 ये हो गया 42 इलेक्ट्रॉन, 6 2 8 और ये टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 48, मतलब कि ग्रेटर देन 8 वाला कांसेप्ट आप अप्लाई करेंगे, जब ग्रेटर देन 8 वाला कांसेप्ट आप अप्लाई करोगे तो देखिए 48 डिवाइड बाय 8 8 6 48 कैंसिल आउट 8। अब देखिए 8 आया है तो आपको क्या करना है, ध्यान से देख लीजिए, एक एस का बनता है, 3 p के बनते हैं और आपके 1 2 3 1 2 3 4 5 डी के बनते हैं, आपको कितने इलेक्ट्रॉन लेना है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन लेना है, 8 सबसेल लेना है, तो 1 2 3 4 5 6 8 6 सॉरी ये 6 है, तो आपको 6 लेना है, हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे ये, यानी एक एस आ जाएगा, 3 p आ जाएंगे, 2 d आ जाएंगे, तो आपका हो जाएगा sp3d2 स्ट्रक्चर, क्या हो जाएगा sp3d2 स्ट्रक्चर। आप यदि इसके शेप की बात करेंगे sp3d2 स्ट्रक्चर का, तो बेटा sp3d2 स्ट्रक्चर का शेप होगा ऑक्टाहाइड्रल, सल्फर सेंटर एटम 1 2 3 4 5 6, ठीक है, तो आपका देखिए क्या हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, ये हो गया आपका ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। तो ना आप इस ट्रिक के अकॉर्डिंग कहीं का बुक का कोई सा भी एग्जांपल हो, आप सिर्फ 2 मिनट के अंदर पूरा पूरा आप उसका सेम स्ट्रक्चर और साइज बता सकते हैं, ठीक है, तो आप ये ट्रिक 1 मिनट के अंदर कर लीजिए फटाफट।